सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गया हूँ कोलकाता, ठीक है। यहाँ कहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा नज़ारा है। यहाँ पे कुछ इस तरह का है लोकेशन, ठीक है, कुछ इस तरह का लोकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और ये देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा। अभी मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब है गाइस। यहाँ पे है आपका वो हावड़ा ब्रिज, ठीक है, यहीं से मेरे घर के पास से ही दिख जाता है हावड़ा ब्रिज। और यहाँ पे काफ़ी सारे कारखाने भी है, तो यहीं से मैं अपने बिहार के दुकान में दुर्गा पूजा के टाइम में बेचने के लिए जो आइटम लेने के लिए आया हूँ गाइस, वो यहीं से मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। मैंने एक बार और आया था तो यहाँ पे मैंने जब मार्केट घूरा था गाइस, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले थे जिसको मैंने अपने लिस्ट में ऐड कर लिया था कि अगर फ्यूचर में अगर इनका ज़रूरत पड़े तो इन्हीं सब चीज़ों को उठा करके बेचूंगा, ठीक है। तो आज मुझे उस चीज़ का ज़रूरत पड़ गया है और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं कुछ हैवी या फिर ज़्यादा महंगे आइटम उठाने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास मात्र 3000 रुपये है, ठीक है। 3000 रुपये में ही कमाना है दुर्गा पूजा का आइटम में, और देखता हूँ कि कितना अर्निंग कर पाता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और देखिए मैं अभी 12 घंटे का ट्रैवल करके आया हूँ, गया से नवादा में था, नवादा से 3 घंटा गया, और गया से आपका लग गया है 10 बजे गाड़ी पकड़ा हूँ, सुबह 6 बजे मैं उतरा हूँ हावड़ा, और वहाँ से फिर मैं यहाँ पे थोड़ी दूर पैदल रास्ते थे तो पैदल आके आके थोड़ी देर आराम किया हूँ, बहुत ही थक गया था तो थोड़ी देर आराम किया हूँ। यहाँ तो मेरा एक रिलेटिव है इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। आज दोपहर को जाऊँगा मार्केट, अब मार्केट से घूम करके आऊँगा, देखूँगा क्या लेकर के आता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फिर कब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे मामा जाएंगे साथ में और मैं जाऊँगा मार्केटिंग करने के लिए, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सो लेता हूँ। बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है, ठीक है। वो बैड न्यूज़ ये है कि मामा जी हमारे साथ नहीं आ रहे, और इसलिए नहीं आ रहे कि उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ गया, ठीक है, तो उनको वो करने के लिए जाना पड़ गया। तो मैं यहाँ से हो गया हूँ अकेला, और कलकत्ते इतने बड़े शहर में मैं अकेला ही जाने वाला हूँ, ऐसे कि वो चीज़ कहाँ पर मिलेगी वो मुझे पता है, लेकिन मैं वहाँ पर पहली बार ही गया हूँ, एक ही बार गया हूँ, और उस जगह की मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है और उतना रास्ते भी याद नहीं है कि कहाँ से कैसे जाना है। ऐसे मामा जी ने मुझे गाइडलाइंस कर दी है कि इस तरह से आप वहाँ पर पहुँच सकते हो, तो फिर भी लेकिन एक चक्रव्यूह में जाने जैसा है कि जाने का रास्ता तो पता है लेकिन आने का पता ही नहीं। मार्केटिंग करना है और वो चीज़ खोजनी भी है वहाँ पे कि वहाँ पे कहाँ पे मिलेगी। मैंने जहाँ पे देखी थी वो चीज़ वहाँ पे जा करके देखूँगा कि अगर वहाँ से अगर उसका डायरेक्ट लिंकअप होता है उस प्रोडक्ट को किनने में, तक कम से कम दाम में उसे खरीद पाऊँ ताकि ज़्यादा सेल हो, अगर वैसा लिंकअप वहाँ पे मिलता है गाइस तो ही उम्मीद है कि मैं वहाँ से माल खरीदूँगा, ठीक है। उम्मीद तो यही है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग ही पहले खोजूँ ताकि मुझे कम से कम दामों में वो सामान मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कोलकाता जाऊँगा, साथ में देखता हूँ अगर कोई और आता है तो मैं उन्हें ले लूँगा, नहीं तो फिर मैं अकेला ही जाऊँगा। यहाँ से बस पकड़ करके थोड़ी दूर के ही रास्ता है तो मैं आपको बताऊँगा अगर आप पहली बार कोलकाता आते हैं गाइस तो आपको किस किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे अकेले ही फेस करना, अब मेरे पीछे मेरे मामा जी नहीं रहेंगे मुझे गाइड करने के लिए कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सतर्क रहना होगा, कहीं माल में 19-20 न ले लूँ या फिर कहीं गलत सामान न ले लूँ या फिर फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अकेले इतने कम उम्र में आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, इतना सब कुछ। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब बस से फिर किस तरह से मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। आप अगर बिहार से देख रहे हैं ये वीडियो तो आपको तो पता ही होगा मैं जितना फेस कर रहा हूँ आप भी उतना ही फेस करोगे प्रॉब्लम्स को, लेकिन हाँ ये है कि प्रॉफिट काफ़ी अच्छा तगड़ा मिलने वाला है, तभी तो मैं इतना प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं छोटा गेम नहीं खेल रहा हूँ, भले ही कम अमाउंट है मेरे पास लेकिन गेम थोड़ा सा बड़ा खेलने को कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ बाकी का मैं आगे आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है, मिलते हैं।